आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मसाला है स्पेशल गरम मसाला। इस मसाले से आप किसी भी सब्जी को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज की स्पेशल मसाले की रेसिपी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 25 ग्राम काली मिर्च लिया है, 20 ग्राम लौंग लिया है, 5 फूल चक्री लिया है, 15 ग्राम दालचीनी लिया है, 6 बड़ी इलायची लिया है मैंने, यहाँ पे 10 छोटी इलायची लिया है, 2 जायफल लिए हैं और 20 ग्राम जावित्री लिया है मैंने। यहाँ पे 1 चम्मच चना दाल लिया है, 10 ग्राम तेजपत्ता लिया और 5 ग्राम दगड़ फूल लिया है, पत्थर के फूल। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू देता है मसालों को। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जीरा लिया है, 20 ग्राम शाही जीरा या काला जीरा, 20 ग्राम महीन सौंफ और 5 ग्राम पोस्ता का दाना लिया है। तो चलिए अब इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो एक कढ़ाई हम गैस पर चढ़ा देंगे और सारे मसाले हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम जीरा, सौंफ और साजीरा को डालेंगे कढ़ाई में। थोड़ा सा इसे हम मिला लेंगे। उसके बाद दालचीनी को डालेंगे ऐसे। उसके बाद इलायची डालेंगे हम, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। यहाँ पे जायफल को डालेंगे हम, जावित्री डालेंगे। तो सारे मसाले हम पहले ही डालेंगे, सिर्फ दगड़ फूल या पत्थर के फूल और पोस्ता के दाने को छोड़कर सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और ध्यान रखिए कि हम मसालों को बिल्कुल लो आंच पे ही गरम करेंगे। इसे हमें रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा गरम करना है कि इसके मॉइस्चर निकल जाए और मसाले हमारे ख़राब ना हो। तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसे हम भूनेंगे कि ये रोस्ट हो जाए। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हम हल्का गरम करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिला के ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से गरम कर लेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, लो टू मीडियम। अब थोड़ा सा गरम हो जाए सारे मसाले, तब हम इसमें पोस्ता का दाना डालेंगे, जो मैंने यहाँ पे 5 ग्राम लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दगड़ फूल डालेंगे थोड़ी देर बाद, और इसे भी हम हल्का सा गरम कर लेंगे। तो ये दगड़ फूल या पत्थर के फूल होता है, ये आप मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इससे मसालों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी ये मसालों में देता है। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से गर्म हो रहे हैं। तो मसाले गर्म हो चुके हैं। चलिए तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये देखिए प्लेट में हमने निकाल दिया, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो ठंडा हो चुका है मसाले हमारे। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो ध्यान रखिए कि मिक्सी जार भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे आप अच्छे से पोंछ के साफ़ करके धूप में सुखा लीजिए, जिससे आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। तो मसाले को मैंने मिक्सी जार में डाल के इसे मैं पीस रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है। इसे हम थोड़ा सा और पीसेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से पीस चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाले हमारे पीस गए, बिल्कुल महीन दरदरा पीसा हुआ है। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं। तो इस मसाले को आप किसी भी सब्जी में डालिए, सब्जी को बहुत ही टेस्टी बना देगा। इसे आप सब्जी में, नॉर्मल सब्जी में आप इसे आधा चम्मच डाल सकते हैं। स्पेशल सब्जी कोई बना रहे हैं ग्रेवी वाली, तो उसमें 1 बड़े चम्मच डालिए। नॉनवेज में आप 2 बड़े चम्मच डालिए। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है गरम मसाले की। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए दोस्तों। तो फ्रेंड, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।